पानसिमल थाने पर दिनांक 14/4/2022 को मतराला के फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 11/4/2022 की रात्रि में उसकी नाबालिग बहन को कोई अज्ञात लड़का बहला फुसला कर भगा कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पानसेमल पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजपुर के मार्गदर्शन और निर्देशन में नाबालिग युवती के मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम तैयार कर नाबालिग युवती को महाराष्ट्र के नांदेड़ से बरामद कर महिला अधिकारी के द्वारा पीड़िता के कथन लिए गए और आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट की कार्यवाही बढ़ाई गई और नाबालिग लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया तथा बाल अपचारी को बाल न्यायालय बड़वानी पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह झाबुआ दाखिल किया गया है। पानसेमल से सरज चित्ते की रिपोर्ट। सर, नाबालिग लड़की अपहरण का मामला है। दिनांक 11/4 को ग्राम मतराला की एक 17 वर्षीय नाबालिग घर से बिना बताए चली गई थी, जिसकी सूचना उसकी परिजनों द्वारा थाना पर दी गई। थाने जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 महाजीवी का प्रकरण दर्ज किया गया था। महिला एवं नाबालिग मामला होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं SDOP महोदय के निर्देशन तथा टीम गठित कर एक टीम रवाना की गई थी, जिसकी लगातार सर्च कर नाबालिग युवती को ग्राम नांदेड़ा महाराष्ट्र से एक नाबालिग बालाचारी के कब्जे से बरामद की गई। ये पीड़िता के कथन महिला अधिकारी से कराए गए, जिसमें उसके साथ नाबालिग आरोपी द्वारा दुष्कर्म भी किया गया था, जिसमें धारा 376 एवं पास्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी, जिसे आज बाल न्यायालय बड़वानी में पेश किया गया था, जहां से बाल अपचारी को बाल संरक्षण घर झाबुआ जमा कराया गया। सर, दोनों ही आरोपी और जो फिरियादी है वो नाबालिग थे। हाँ, नाबालिग पीड़िता है एवं आरोपी भी 17 वर्षीय नाबालिग की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।